नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार गौरव कुमटे ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों मार्कशीट, तो यानी कि मार्कशीट को हम लोग कैसे काउंट करेंगे, कैसे जोड़ेंगे, कैसे मैक्स करेंगे, कैसे मिनमिन करेंगे, कैसे काउंट करेंगे, कैसे एवरेज करेंगे और कैसे परसेंटेज करें, तो ये हम लोग आप सीखने वाले हैं दोस्तों। तो देखिए मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गए हूँ, कुछ टाइप करके मैं रख लिया हूँ कि मुझे समझाने में आपको अच्छा है और समय को बचे। तो देखिए मैंने इस तरह से टाइप कर लिया हूँ दोस्तों, इसके ऊपर मैं मार्कशीट लिखा हूँ और नीचे यहाँ पर देखिए सीरियल नंबर, नेम, हिंदी एक सब्जेक्ट है, इंग्लिश लिए हैं सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स लिए हैं, साइंस लिए हैं, सोशल साइंस लिए हैं, यानी कि पांच सब्जेक्ट लिए हैं और हमको टोटल निकालना है दोस्तों। तो कैसे निकालेंगे तो चलिए सीख लेते हैं। तो टोटल निकालने के लिए दोस्तों यहाँ पर क्लिक करेंगे और इज इक्वल टू, इसको बोलते हैं इज इक्वल टू SUM सम, और यहाँ पर से शिफ्ट के साथ इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट ब्रैकेट, शिफ्ट के साथ से हम लोग प्रेस करेंगे 9 तो लेफ्ट ब्रैकेट आ जाएगा। उसके बाद हमको यहाँ से लेकर यहाँ तक जोड़ना है, तो देखिएगा ये कहाँ पर है, सी, यहाँ पर देखिए सी है और ये, और देखिए ऊपर वाला सी है और यहाँ पर एक फाइव है, तो सबसे सी देंगे और फाइव देंगे। उसके बाद हमको बीच में रेंज लगाएंगे, रेंज का मतलब होता है दो गो बिंदु, ठीक है, रेंज लगाएंगे कहाँ तक है, जी जी यहाँ देखिए जी 7, यानी कि जी और यहाँ तक 5, तो पहले वो जी प्रेस करेंगे और 5 प्रेस करेंगे। उसके बाद राइट ब्रैकेट शिफ्ट के साथ 0 बटन प्रेस करते हैं शिफ्ट के साथ, तो वो आपको आपको इसको राइट ब्रैकेट बोलते हैं और इंटर प्रेस कर दीजिए, आपको जोड़ दिया। और जब हम एगो को काउंट कर लेंगे तो जैसे नीचे से ड्रैग करेंगे तो सभी को ये आपको जोड़ देगा, यही इसका बेनिफिट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, मैक्स मतलब क्या होता है दोस्तों। मैक्स मतलब होता है क्या कि कौन सा सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा नंबर लाया ये, तो इक्वल टू MAX मैक्स, इसको ओपन ब्रैकेट, ठीक है, और फिर यहाँ से यहाँ तक आपको निकालना है मैक्स, तो उसी चलेंगे, सी ऊपर है तो सी और फाइव, यहाँ देखिए फाइव रेंज, उसके बाद आपको जी 5 और ब्रैकेट को बंद करेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे, ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस करेंगे तो देखिए 70 सबसे ज़्यादा इसका नंबर आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपको इसको ड्रैग कर दीजिए, नीचे जितना भी नाम रहे उसको ड्रैग कीजिएगा, तो देखिए 75 इसका सबसे ज़्यादा सोशल साइंस में नंबर आया है और इनका आया है 80 सोशल साइंस में। और मिनिमम मतलब क्या होता है दोस्तों, सबसे कम, तो MIN ओपन ब्रैकेट, हमको यहाँ से यहाँ तक को निकालना है, सबसे कम सब्जेक्ट में कौन नंबर लाए, तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं और ब्रैकेट को बंद कर सकते हैं और इंटर प्रेस कर सकते हैं, तो सबसे कम नंबर आया है 50, उसके बाद नीचे से ड्रैग कर दीजिए। काउंट निकालना है कि कितना सब्जेक्ट है, उसके बाद भी ओपन ओपन ब्रैकेट, उसके बाद कहाँ से कहाँ निकालना था, यहाँ से निकालना था, इस पर मैंने क्लिक कर दिया, उसके बाद रेंज लगा देंगे, उसके बाद फिर इस पर क्लिक कर दिए, सब एक ही है सर दोस्तों, और क्लोज कीजिए, या तो आप इससे ऐसे निकालिए या ऐसे निकालिए, सब अलग अलग मैं तरीका से बता रहा हूँ, सब को भी तरीका से अपना सकते हैं। तो देखिए इसमें 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट का एवरेज निकालना है, तो लिखना है A V E, ठीक है ना, एवरेज लिखना है, तो एवरेज यहाँ से लेकर यहाँ तक निकालना है, तो या तो इसको टाइप कीजिए C5 उसके बाद G5, या तो डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, वही होगा, ठीक है दोस्तों। तो आप जैसे इच्छा, लेकिन देखिए सबसे अच्छा ये है कि C5, तो C5 रेंज लगा देंगे और यहाँ तक G5 को, उसके बाद ब्रैकेट को बंद करेंगे, इंटर। अब हमको परसेंटेज निकालना है दोस्तों, इसको ड्रैग कर दीजिए नीचे तक, परसेंटेज निकालना है यानी कि 300 नंबर में कितना इसका परसेंटेज आया, कोई आपसे पूछेगा तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए उसी तरीका इक्वल टू परसेंटेज निकालने के मेरे पास टोटल, तो टोटल मेरे पास कितना है, ये नंबर है टोटल, तो एक बार इस पर हम क्लिक कर देंगे, क्लिक करके एक डिवाइड एक भागा का चिन्ह इस तरह से निशान दिए, भागा का चिन्ह, और कितना सब्जेक्ट है, तो 5 सब्जेक्ट है मेरे पास, तो 5 दिए और इंटर प्रेस कर देंगे, और यहाँ पर देखिए इनका निकल गया, और यहाँ पर देखिएगा, और नीचे अगर आप
और नीचे आपका नाम लिखना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, तो देखिए नीचे हम करते जाते हैं और किसी को बढ़ाना चाहते हैं। एक और ऐसे बढ़ाते जाइए और फिर यहाँ पर नीचे से इसे ड्रैग कर दीजिए। सबका यहाँ पर देखिए निकलते जाएगा। देखिए इस तरह से मैं फिर से आपको समझा देना चाहता हूँ परसेंटेज कैसे मैंने नहीं निकाला। अगर आपका नंबर 300, देखिए मैंने परसेंटेज, अगर आपका नंबर 300 है, ठीक है, अब हमको परसेंटेज निकालना है। मैं यहाँ पर जूम करता हूँ। अगर आपका नंबर 300 है, अगर आपका नंबर 300 है, मुझे परसेंटेज निकालना है, तो कैसे मैं निकालूंगा देखिएगा। यहाँ पर इक्वल टू देंगे, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद एक डिवाइड भागा का चिन्ह, कितना सब्जेक्ट है, 5 है, तो 5 से कर देंगे, एंटर प्रेस कर देंगे तो 60। अगर वो कहते हैं कि मेरे पास 400 नंबर आया हुआ है, ठीक है, और हमारे 700 का है, तो कैसे निकालेंगे, इक्वल टू और इसी पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद एक डिवाइड भागा 700 कहेंगे तो 7 से कर देंगे, एंटर प्रेस कर देंगे, तो देखिए 400 का 700 का रहेगा, तो इतना आपका परसेंटेज आएगा। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ आपको समझने के लिए दोस्तों, एकदम ईजी है और ईजी से आप समझ सकते हैं, कोई ही दिक्कत नहीं। कोई भी दिक्कत होगा तो आप मुझे कमेंट कीजिए और मैं उसका जवाब दूंगा। तो देखिए मैं फिर से आपको समझा देना चाहता हूँ, मैं जूम कर देना चाहता हूँ कि आपको स्पष्ट दिखाई देवे। मैं जूम कर दिया, मैं यहाँ से फिर इसको हटा देना चाहता हूँ। मैं फिर से आपको जोड़ना चाहता हूँ, देखिएगा सम करना है तो इक्वल टू SUM सम, और कहाँ से कहाँ आपको यहाँ से यहाँ तक है तो सी, तो यहाँ पर ओपन ब्रैकेट सी और 5, सी कह दिए ऊपर और 5 ये, यानी कि रो कॉलम रेंज, और कहाँ तक है तो जी, यहाँ तक जोड़ना है तो जी 5, और ब्रैकेट को बंद करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। बस सिंपल उसी तरह से करते रहेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर मैक्स तो मैक्स लगाएंगे, मिनिमम तो मिनिमम लगाएंगे। तो देखिए मैं फिर से बता देता हूँ, मैक्स लिख रहे हैं, मैक्स निकालेंगे मैक्स, और कहाँ से कहाँ तक है तो यहाँ से यहाँ तक, इसको सिलेक्ट कर लिए, ब्रैकेट को सब बंद करके इंटर प्रेस कर लिए। या फिर देखिए फिर से मैं बता रहा हूँ, मिनिमम निकालना है MIN, ओपन ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट, और यहाँ पर है तो सी, ये सब एक ही है सी 5, ऐसे निकालिए, सेलेक्ट कीजिए सी 5 और जी 5, ब्रैकेट को बंद कर दीजिए, इंटर। इस तरह से आप निकाल सकते हैं दोस्तों। तो आई होप दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।